यथार्थ रूप से समझ लेने पर पुरुषोत्तम अर्थात भगवान के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। अतः इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग रखा गया है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगो नाम। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलं मदशाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि अस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद वेन। ऊपर की ओर मूल वाले और नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को अव्यय कहते हैं, जिसके पत्ते वेद हैं, जो उस संसार रूपी वृक्ष को जानता है वही संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। अदर्शुर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अदर्शमूलान्यनुसर्ततानि कर्माणि बन्धीनि मनुष्यलोके। उस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे सब जगह फैली हुई तीन गुणों से पुष्ट है। विषय रूपी पत्तिया या अंकुर है। मनुष्य लोक में कर्म बंधन को पक्का करने के लिए वासना रूपी इसकी जड़ें नीचे भी नए नए रूपों में फैली हुई है। नरूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेणं स्वविरूढमूलं आसंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा। संसार रूपी वृक्ष का वैसा रूप नहीं है जैसा कि पाया जाता है, और इसका ना तो आदि है ना अंत है और इसकी स्थिति भी नहीं है। उस अश्वत्थ वृक्ष की अच्छी तरह जमी हुई मजबूत जड़ों को दृढ़ असंख्य शस्त्र के द्वारा छेदन कर देना चाहिए। ततः पदं तत् परिमार्जितव्यं यस्मिन् गतानानि वर्तन्ति भूयः तमेव जात्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्तः प्रवृत्ति प्रसृता परानि। उसके बाद उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने पर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता और जिससे यह अनादि प्रवृत्ति फैली हुई है उसी आदि पुरुष की मैं शरण हूँ ऐसी भावना करनी चाहिए। निर्माण मोहा चित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूला पदमावलम्ब्य। जिसके चित्त से मान और मोह निकल गया है, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, जो सदा परमात्म स्वरूप में लीन रहते हैं, जिनकी कामनाएं वासनाएं सब नष्ट हो गई है, जो सुख दुख रूपी द्वंद्व से मुक्त हो गए हैं और विवेकी अर्थात अज्ञान रहित हैं, वे उस नित्य अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावको यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जहाँ जाने पर जीव संसार में लौट कर नहीं आते वही मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। उस जीवलोक में अर्थात संसार में जीव
स्वरूप मेरा ही सनातन अंश है, पर वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अर्थात अपना मान लेता है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्यक्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। जैसे वायु अपने स्थान पुष्प या इत्र के फोहे से गंध को ले जाती है, वैसे ही शरीर का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस भी शरीर को छोड़ता है, वहां से मन सहित इंद्रियों को लेकर जिस भी शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनसाय विषयानुपसेवति। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र, त्वचा, नेत्र और रसना तथा घ्राण के द्वारा विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानां पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। शरीर से बाहर निकलते हुए अथवा देह में स्थित रहते हुए भी अथवा पंच विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते, ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो व्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। प्रयत्नवान योगी जन इस आत्म तत्व को अपने में स्थित देखते हैं और यत्न करने वाले भी जो असंस्कारी है, अविवेकी है, वे इस आत्मा को नहीं देख सकते। यदा दित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नं तत्तेजो वेगिवामकम्। सूर्य में आया हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को तू मेरा ही जान। गामा विश्य च भूतानि कार्याम्यहमोजसा पुष्णामिच्चोषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं पृथ्वी में प्रवेश करते हुए अपने तेज अर्थात आकर्षण शक्ति से सब भूतों को धारण करता है और वैसे ही रसमय चंद्रमा बनकर सारी वनस्पतियों को पोषण देता है। अहम् वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं ही प्राणियों के शरीर में रहकर वैश्वानर होकर अर्थात जठर अग्नि बनकर प्राण और अपान से युक्त होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहम् हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्त कृत वेदविदेव चाहम्। और मैं सबके हृदय में प्रविष्ट हूँ, मेरे से स्मरण ज्ञान और अपोहन पैदा होते हैं और सारे वेदों से मैं ही जानने योग्य हूँ। और वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला व वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वाविमौ पुरुषो लोके शरशाक्षरैव च शरस्सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इस संसार में शर और अक्षर ये दो प्रकार के पुरुष हैं। सारे भूत क्षर अर्थात नाशवान है और कूटस्थ अक्षर अर्थात अविनाशी है, ऐसा कहा जाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्यदाहतः यो लोकत्रयमावेश्य विवर्त्य व्ययेश्वरः। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है
जो कि परमात्मा इस प्रकार से कहा जाता है, वह अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यस्माक्षरमतीतोम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। जबकि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेदों में भी मैं पुरुषोत्तम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेव मसमूढो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, जो मोह रहित मनुष्य इस प्रकार मुझ पुरुषोत्तम को जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया लघु एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, इसको जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्यायः श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। धन्यवाद।